देखो आज हम लोग अकाउंट्स में अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हेडिंग लिखिए, टॉपिक का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और इसमें बेटा इसकी जो कवरेज है, सबसे पहले यूनिट वन में हम लोग करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ऑन नहीं बेटा, वहीं से ऑन कर लो, देखो यहां से ऑन है। अच्छा बेटा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हाँ बेटा, तो पहले यूनिट का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, दूसरी यूनिट का नाम लिखिए, दूसरी यूनिट यूनिट टू, इसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। उसके बाद यूनिट थ्री है कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर एंड इनकम, उसके बाद यूनिट फोर है अकाउंटिंग पॉलिसीज और लास्ट यूनिट है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टोटल हम लोग के पास छह यूनिट है इस चैप्टर में। ऑन हुआ बेटा कि नहीं, वो एसी पीछे वाला ऑन हो गया। टोटल हम लोग के पास छह कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, लिखा। अब देखो बेटा, ये जो टॉपिक है हम लोग के इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि फाइव, ये जो पूरा का पूरा मतलब ये सारी की सारी यूनिट मिला के 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स ये एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पूरी छह यूनिट मिला के। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं, 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा बताओ मुझे, देखो ये जो चैप्टर है इसमें कहीं कोई एंट्री हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे, ठीक है। मैं तब भी एक चीज पूछ रहा हूं, जरा जवाब देना, मशीन खरीदने की एंट्री बताओ।
मशीन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा फिर मशीन को कारखाने तक लाने का किराया जो पे किया फ्रेट, उसकी क्या एंट्री होगी? अब मैं दो चॉइस दे रहा हूं, बताओ फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा कि मशीन डेबिट टू कैश होगा, क्या होगा? ठीक है, अब ये बात कहां लिखी है? रियल पर्सनल नॉमिनल में नहीं लिखी, ये यहां लिखी है। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, समझ आया? तो ये सब छोटी, अच्छा और बताओ, हम लोग जब डेटर को गुड्स बेचते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब डेटर को हम लोग गुड्स बेचते हैं तो पैसे डूब सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाते हैं, बनाते हो ना? और डेटर पैसे कुछ छुड़वाएगा, पैसे मांगने आएगा, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हो? अब ये बताओ, तो हम भी तो किसी से माल खरीद के लाते हैं क्रेडिट पे, जब हम उसको पेमेंट करने जाएंगे तो कुछ पैसे उससे छुड़वाएंगे कि नहीं? हम उसका प्रोविजन बनाते हैं क्या? कभी सुना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर? नहीं सुना ना? वो क्यों नहीं सुना? क्योंकि बेटा हमारे पास ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो क्यों नहीं बनता? वो इन्हीं चैप्टर्स की वजह से नहीं बनता, मतलब छोटी छोटी बातें जो आप अकाउंट्स में पढ़े हो लेकिन आप बस उसका नाम नहीं जानते वो क्या है, तो वो सब ये छह यूनिट में पहले हम लोग ये कवर करेंगे, फिर शुरू होगी जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट, समझे? तो चलो आज, अच्छा ये मोस्ट ऑफ द क्या, पूरा का पूरा बेटा थ्योरेटिकली है सब कुछ, तो अब आज इसमें यूनिट वन शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए यूनिट वन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसकी पहली यूनिट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। चलो इसमें सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे, लिखिए कंसेप्ट वन, इंट्रोडक्शन। कंसेप्ट वन इंट्रोडक्शन, लिखिए इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन का मतलब, लिखिए एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट एंड सम इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सोशल बेनिफिट। सम इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सोशल बेनिफिट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड थ्रू
ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन लिखिए ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस of an act, an agreement, for example, sale, investment, payment of rent, आर ट्रांजैक्शन और लास्ट पॉइंट है इवेंट मीनिंग ऑफ इवेंट. मीनिंग ऑफ इवेंट लिखिए इसमें. Consequence of transaction is known as event. Consequence of transaction is known as event. For example, inventories at the year end is example of event. Inventories at the year end is example of event. आगे लिखिएगा. Concept 2, meaning of accounting. Concept 2, meaning of accounting. लिखिए. In 1961, American Institute of Certified Public Accountant explained that accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money
ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। आगे लिखिएगा, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट thereof। To the person interested in such information, एक कंसेप्ट और लिखेंगे बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंसेप्ट थ्री, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इसमें लिखिए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग में दो बातें आएंगी। पहला, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अगला है यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पे लिखेंगे रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेटिंग। और यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में
इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। चलो कॉपी हो गया, अब देखिए जरा सब लोग स्क्रीन पे देखिए। देखो बेटा, हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया 5 to 10 मार्क्स का ये एग्जाम में आएगा। टोटल अपने पास 6 यूनिट हैं इसमें पढ़ने के लिए, 6 की 6 पूरी थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। इसमें सबसे पहली यूनिट हम लोगों ने शुरू करी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो 10 मार्क्स के लिए बेटा बड़े बड़े चैप्टर्स करके जाते हो जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हो। अब ये एकदम ईजी है, ऑलरेडी आपको आता है, बस क्या है मुझे कंसेप्ट को रिलेट कराना है। ठीक है, जो हम लोग नोटिंग कर रहे हैं यही बार बार रिवाइज करके जाना है, जो हम लोग की बुक में लिखा हुआ है उसी को समराइज करके यहाँ पे मैंने ये नोट्स आपको दिए हैं, समझ आ रहा है? तो इसको पढ़ोगे इससे सब कुछ कवर हो जाएगा। 5 to 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा एग्जाम में 100%। तो जब आएगा तो क्या लिखोगे? देखो हम लोग के यहाँ, खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हम लोग के पास जब थ्योरेटिकल आंसर्स आते हैं, जैसे मान लो इसमें से कोई भी हेडिंग आ गई इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको लेंदी आंसर लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, समझ आए ना? जैसे मान लो कोई आंसर है उसमें 4 पॉइंट है और 5 मार्क्स का आया है, तो वही 4 लिखने पर ही 5 नंबर मिल जाएंगे, पेज भरने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई सा भी थ्योरेटिकल, कभी भी थ्योरी आ जाए, चाहे स्टैटिस्टिक्स में आ गई, अकाउंट्स में आ गई, या लॉ इकोनॉमिक्स, कोई सा भी चैप्टर पढ़ सब्जेक्ट कर रहे हो, तो पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है, अलतू फालतू का कंटेंट नहीं, समझ आया ना? तो इसीलिए इसको लिखवाया है, इसको पढ़ो, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमारे चैप्टर का, आज की यूनिट का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहली हेडिंग मैंने आपको लिखाई इंट्रोडक्शन। अब ये क्या चीज है ध्यान से सुनते जाना, बताओ मुझे, बताओ बेटा, जैसे आपने पढ़ा है जर्नल एंट्री के बारे में, देखो जो सब चीजें पहले पढ़ चुके हो वही यहां पे बार बार आएगी, अब ये वहीं से जाकर रिलेट होगा। देखो यहां पे जर्नल एंट्री आप सबने पढ़ा हुआ है, जर्नल एंट्री, मुझको बताएगा कोई एंट्री किस किस चीज की एंट्री होती है, किस चीज की? बिजनेस ट्रांजेक्शन की। किसकी? समझ आया ना? जो चीज बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसी की हम लोग एंट्री करते हैं, नहीं तो एंट्री नहीं करते हैं। तो पहली हेडिंग में हम बेसिकली ये समझ रहे हैं व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन का जो आउटकम आता है उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हो? तो यहां पे हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं एक बार फिर से। जर्नल एंट्री किसकी बनती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन की। किसकी? ठीक है, और हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो यहां पे नहीं लिखा है, यहां ट्रांजेक्शन लिखा है, ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या होता है। तो अब आप समझ लो
ये ट्रांजेक्शन क्या चीज होती है, जर्नल एंट्री ही होती है किसकी, ट्रांजेक्शन की। भाई हम लोग तो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो कौन सा होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इवेंट। तो जब भी जर्नल एंट्री बनेगी तो किसकी बनती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है सुन लो पहले, जैसे तुम लोग को पता है, फिर जो उसमें लिखा है वो भी पढ़ाता हूं। देखो, जब किसी ट्रांजेक्शन से कैपिटल एसेट या लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं तो उसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का, क्या बोला मैंने, जब किसी ट्रांजेक्शन से कैपिटल एसेट या लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं तो उसी को क्या बोलते हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। जब ये इक्वेशन डिस्टर्ब होगी तो वही क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ आया, जैसे आपने कुछ पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल बढ़ी तो एसेट भी तो बढ़ा। अरे एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश किस में आएगा, एसेट में, और कैपिटल कहां लिखोगे, कैपिटल में। कुछ पैसे बोरो कर लिए तो कैश भी आया एज वेल एज क्रेडिटर्स भी आ गए। समझ आया, तो जब किसी ट्रांजेक्शन से कैपिटल एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बोलो समझ में है, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोला बेटा, उसका जो, उसको बोलते हैं इवेंट। अब रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, साल भर बिजनेस करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो क्या है, इवेंट। कुछ डेटर्स बचेंगे वो क्या है, इवेंट। अरे क्रेडिट सेल करी है तो कुछ से पैसे वसूल लिया, कुछ का रह गया, जिसका रह गया वो क्या है, डेटर है। हमने माल खरीदा था उधार पे तो क्रेडिटर से कुछ की पेमेंट कर दी, कुछ का रह गया, तो जो रह गया वो क्या है, इवेंट है, क्रेडिटर। समझ आई बात। तो क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो व्यापारिक लेन देन जिससे कैपिटल एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसी की जर्नल एंट्री होती है, उसी की जर्नल एंट्री होती है, और उसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हो, इवेंट। कोई डाउट। अच्छा, यही कंसेप्ट लगेगा चाहे आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो। फिर से सुनना, देखो हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक, कुछ लोग का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, और कुछ का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट नहीं कमाना। दो तरह के व्यापारी होते हैं ना, एक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट। का मतलब क्या होता है, अभी चैप्टर पढ़ोगे, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है लेकिन प्रॉफिट हो सकता है। समझ आए। तो अब देखो, चाहे प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एनपीओ, सब पे ये बात लागू होती है, क्या कि जो भी अकाउंट्स में एंट्री होगी वो किसकी होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन की। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्या बताया मैंने, जिस लेन देन से कैपिटल एसेट या लाइबिलिटी में चेंजेस आते हैं उसी को क्या बोलोगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इवेंट होगा। समझ आई बात। तो ये देखो, हमने यहां पे लिखा, यहां पहले ये बताया कि दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सम एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, प्रॉफिट के लिए, सम फॉर सोशल बेनिफिट। समाज के लिए कुछ करोगे तो प्रॉफिट नहीं कमाओगे ना उसमें, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब ट्रांजेक्शन यहां पर लिखा तो है, मैंने क्या बताया आपको, कैसे पहचानोगे, जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आएंगे उसी को क्या बोलोगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। समझ में आ गई बात। ऐसे आप पहचान लेंगे व्हाट इज ट्रांजेक्शन, व्हाट इज इवेंट, और हमेशा एंट्री किसकी होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की। समझ आए, पहली हेडिंग क्लियर है, आगे बढ़ो। अब बेटा अगली बात आती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगली बात आती है अकाउंटिंग की मीनिंग, मतलब अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अब सुनो, इसकी तीन डेफिनेशन बनाई गई, खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अकाउंटिंग की तीन डेफिनेशन बनाई गई, एक बनाई 1961 में, एक बनाया 1966 में, एक बनाया 1970 में। कब कब, 61 में, फिर 6 में, उसके बाद 70 में। और तीनों का जो क्रक्स है वो ये है, ये जो आखिरी पैरा लिखा है, समझ आया ना। तीन डेफिनेशन बनाई गई, तीनों का जो क्रक्स है वो क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो हम लोग जब भी अपने एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग ये बताओ, तो हम लोग यही लास्ट वाला पैराग्राफ लिख के आएंगे। बात समझ आई। अरे बेटा जैसे जैसे ये बताओ, अकाउंटिंग किसकी करते हो, बिजनेस की।
सोचना मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग किसकी करते हो? बिजनेस की। बताओ बिजनेस में लगातार चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जैसे बताओ मुझे, अमेजोन वाले की अकाउंटिंग करना मुश्किल है? उसकी ऑडिटिंग करना मुश्किल है? ऑडिट मतलब चेकिंग करना। जितना रोज का लोग कमाते हैं उसका दिन भर का एक घंटे का ट्रांजैक्शन है, कैसे चेक होगा? जो पुरानी टेक्निक है बेकार हो गई ना वो, समझ आया? जैसे आज अकाउंटिंग कैसे होती है? कंप्यूटराइज्ड बेस। पुराने जमाने में कैसे होता था? मैनुअल। समझ आया? पुराने जमाने में मैनुअल। बैंक 2 घंटे खुलता था, 2 घंटे में जितना लेन देन होता था उसको अकाउंटेंट बैठ के रात में 10 बजे तक लिखता था, क्योंकि सारा काम कैसे होता था? मैनुअल। समझ आया? जो सीए स्टूडेंट्स हो, आपके इंस्टीट्यूट का टैग लाइन क्या है? संस्कृत में है, या एषु सुप्तेषु जागृति। इसका मतलब जब लोग सो रहे हैं तो हम जग रहे हैं। न कैलकुलेटर होता था, न कंप्यूटर होता था, समझ आई बात? अब सोचो कितना कठिन काम था। तो कुछ चैप्टर्स थे जो तब यूज होते थे, अब तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। समझ आया ना? ऐसे छोटे छोटे 4-5 चैप्टर हुआ करते, तब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर आता गया तो वो पुराने चैप्टर हटते चले गए। अब नई नई टेक्निक्स आ रही है, क्योंकि जैसा व्यापार होगा वैसे तो उसकी अकाउंटिंग होगी। जैसे स्टॉक के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, अब क्या है, अब ये रूल है, लेकिन वॉलमार्ट वाला कहता है, अमेजोन वाला कहता है कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है। वॉलमार्ट गए होंगे सब लोग, कहीं एक जगह गए होंगे, सोचो एक जगह उतना सामान रहता है, वो पूरे इंडिया में है। हम लोग ये अकाउंटिंग इंडिया वाली तो पढ़ रहे हैं ना, ये फॉरेन में नहीं चलती, समझ आए? तो अब वो क्या कहता है, हम ऐसे नहीं काम कर पाएंगे कि कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, एक एक आइटम का चले हम कॉस्ट निकालें एनआरबी निकालें तब तो हो चुका। तो उनके लिए नए मेथड्स बनाए गए। अभी जब इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे। बात समझ में आई? दिमाग में अभी बैठा लो, जैसे जैसे एटमोसफियर चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, हम लोग की अकाउंटिंग भी चेंज होगी। समझ आए बेटा? तो वैसे 3 डेफिनेशन बनाएगी, 66 में माहौल कुछ और था, उस 61 में कुछ और था, 66 में कुछ और हुआ, फिर आके 70 में कुछ और हो गया, लेकिन तीनों को निचोड़ के एक चीज लिखा जो फाइनली अभी तक फिट बैठ रहा है। समझ आई बात? तो जब भी एग्जाम में आएगा व्हाट इज अकाउंटिंग, तो ये लास्ट वाली डेफिनेशन लिख के आओगे। बात समझ में आई? चलो मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। सबसे पहले, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का प्रोसेस, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग मतलब लेजर, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालाइज करना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ टू द पर्सनल इंटरेस्टेड फॉर सच इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट करने का मतलब जब कोई अपना जर्नल लेजर ट्रायल बना लेता है तो अपने फाइनल अकाउंट्स बना के अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देता है, तो जिसकी मर्जी वो जाके वहां देखे, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट हो या एक्सटर्नल, तो 2 यूजर होते हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है। बात समझ आई बेटा? लेकिन हम अकाउंटिंग उसी की करते हैं जिसको पैसे में मेजर किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग उसी की करते हो जिसको पैसे में मेजर किया जा सकता है। जिसको पैसे में मेजर नहीं करेंगे हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ, क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ, बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू, लेकिन ये एंट्री तब तक अधूरी है जब तक इसमें पैसा ना लिखा जाए, बोलो। तो अगर जिस चीज को पैसे में नहीं मेजर कर पाएंगे तो उसकी किस बात की एंट्री? समझ आई बात? तो ये डेफिनेशन किस पे फिट होती है? विच कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ आए बेटा? जिसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते उसकी एंट्री यहां पे नहीं होती। कोई डाउट? समझ आई बात? अब सवाल आता है, सर किसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चीज होती? तमाम सारी चीज होती है। लो एग्जांपल सुनो। पहला, विजय माल्या का जब बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था बेटा, तो इंग्लैंड से टीपू सुल्तान की तलवार खरीद के लाया था इंडिया में, कि इंडिया की थी और विदेश में चली गई थी तो वो इंडिया में होनी चाहिए, पैसे दे के लेके आया था। अब बताओ क्या उसको इवेल्युएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? कुछ पैसे में वो लोग मान गए होंगे, बट दैट इज अ रेयर एसेट। क्या बोला मैंने? रेयर एसेट कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है कि जिसमें वैल्यूअर आके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दे। बात समझ में आई? तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी तो एंट्री नहीं बन पाएगी ना। समझ आए? जिस चीज की पैसे में एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी उसी को क्या बोलते हैं? उसी की हम लोग अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। कोई डाउट?
जैसे, और एक एग्जांपल सुनो, मुझको कैलकुलेटर चाहिए था, आपको रिमोट चाहिए था, तो मैंने आपसे रिमोट लेके आपको कैलकुलेटर दे दिया। हाँ ठीक है, वो तो हुआ, लेकिन अब ये बताओ पैसे का लेन देन नहीं हुआ ना, अब एंट्री करनी है तो ढूंढा जाएगा ये कितने का है, बोलो, या ये कितने का है, दोनों पता चल पाए, नहीं पता चल पाएंगे तो एंट्री नहीं होगी। इफ बोथ दीज एसेट्स आर रेयर एसेट तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री कब होगी? व्हेन दीज एसेट्स कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ आया? तो ये अकाउंट की डेफिनेशन है। तो क्या पढ़ा आपने? जिसको पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी क्लासिफाइंग, उसकी समराइजिंग, उसकी एनालाइजिंग, उससे कोई रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन और उसका कम्युनिकेशन, यही प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग है। अपने दिमाग में बैठा लो, पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर आखिरी में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, फिर वो सबके लिए ओपन कर दिया जाता है ऑडिट करा के, कि कोई भी देखे हमने क्या प्रॉफिट लॉस कमाया। यही प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग है। कोई डाउट? आगे बढ़े तो एग्जाम में आएगा, तो यही डेफिनेशन लिख के आओगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब ये लिखा है, अब बार बार बेटा वही चीज आती है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का प्रोसीजर क्या है? बोलो, सबसे पहले क्या होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहले कोई लेन देन होगा, फिर क्या करोगे? उसका जर्नल बनाओगे, रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल में। फिर उसको क्लासिफाई करके लेजर बनाओगे, समरी उसकी ट्रायल बनाओगे, फिर उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेट करने के लिए ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओगे, और फिर उसका ऑडिट करवा के पब्लिक पब्लिक कर दोगे, जिसकी मर्जी उसको देखे। तो देखेगा कौन? दो यूजर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कौन कौन बेटा? इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? इंटरनल यूजर कंपनी से जुड़ा हुआ जो हर व्यक्ति है, जो कंपनी का मतलब इंटरनल पार्ट है, वो कौन हो गया? इंटरनल यूजर। बाकी सब क्या हो गए? एक्सटर्नल का एग्जांपल सुनो, इंटरनल अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे बताओ बेटा, हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं, सरकार को इसकी चिंता रहती है ना कि इसने टैक्स जमा करवाया कि नहीं करवाया। सरकार बिजनेस संभालने नहीं आती कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी इसकी हेल्प कर दो, लेकिन सरकार टैक्स लेने के लिए तुरंत चेक करती रहती है ना, तो सरकार आउटसाइडर हुई ना, लेकिन वो चेक करती है, तो सरकार क्या हो गई? एक्सटर्नल यूज। हमारे कॉम्पिटिटर्स भी देखते रहते हैं ना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, कितने का लॉस हुआ, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या रेवेन्यू है, वो कैसे यूजर हो गए? एक्सटर्नल। बात समझ में आ गई? बाकी सब क्या हो गए? इंटरनल। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। बोलो, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए अगला कंसेप्ट। लिखिए कौन सा कंसेप्ट होगा? कंसेप्ट फोर, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस। लिखो बेटा, इन फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इन फर्स्ट फेज बेटा ऑफ ये काट दो अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 12th सेंचुरी, बट डबल एंट्री सिस्टम इवॉल्व्ड इन 15th सेंचुरी। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, इन सेकेंड फेज द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज्ड विद द
द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी थर्ड पॉइंट में लिखिए अ न्यू एडमिशन अ न्यू डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग is developed in 20th century is developed in 20th century aur aakhri mein lastly social responsibility accounting in the formative process which aims at accounting for social cost incurred by business as well as social benefit created by it. देखिए सामने अब ये है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस. देखो जो यहां पे लिख रहे हो एग्जाम में वही लिख के आना क्योंकि हम लोग का इंस्टीट्यूट यही बताता है. आई बात समझ में? इसी पे मार्क्स मिलेंगे. तो जो यहां पढ़ रहे हो जब भी जो हेडिंग आती है वही चीज लिख के आओगे. अब चलिए एक एक चीज में बताता हूं. सबसे पहले कह रहे हैं अकाउंटिंग कैसे कैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ. तो सबसे पहले अकाउंटिंग का फर्स्ट फेज हमारा इंस्टीट्यूट मानता है कि यह शुरू हुई 12th सेंचुरी में. कब बेटा? लेकिन लेकिन अब जैसे अकाउंटिंग 12th सेंचुरी में हुई इसका क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा लोगों ने अपनी इनकम खर्चों को लिखना कहीं शुरू कर दिया होगा 12th सेंचुरी में ही, तो वहीं से अकाउंटिंग शुरू हो गई. लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जाके बना है 15th सेंचुरी में. कब बना है डबल एंट्री सिस्टम? 15th सेंचुरी में. तो ये तो इनकी पहली फेज हो गई. फिर यहां पर हम लोग के पास कंपनीज का आइडिया आ गया सेकेंड फेज में. जो आप कंपनीज पढ़ते हो उसका आइडिया आया सेकेंड फेज में. उसका आइडिया आया सेकेंड फेज में. कब अकाउंटिंग शुरू हुई? 12th सेंचुरी में. डबल एंट्री कब आई? 15th सेंचुरी में. ये फर्स्ट फेज हमारा इंस्टीट्यूट मानता है. सेकेंड फेज वो कहते हैं सेकेंड फेज में कंपनीज का आइडिया आया. जो आप कंपनी पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट भी तो बहुत पुराना है ना बेटा. ठीक है. अच्छा अब ये सेकेंड फेज हुआ. उसके बाद थर्ड फेज में यहां देखो अभी अभी क्या पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग. आज किस चीज की क्लास चल रही है? अकाउंटिंग की. ध्यान से सुनना. अब अकाउंटिंग बहुत सारी होती है बेटा. कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, और ये टैक्स अकाउंट, तमाम सारी अकाउंटिंग होती है ना हम लोग के पास. तो अभी इसकी क्लास चल रही है. अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हो. समझ आया? जैसे मैथमेटिक्स की तमाम सारी ब्रांचेज है ना, वैसे अकाउंट्स की भी तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं. तो अभी आपके सिलेबस में क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्या है? तो वो कहां से शुरू होगा? जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग. तो यहां पे ये कहा गया पहले 12th सेंचुरी में अकाउंटिंग शुरू हो गई, 15th सेंचुरी में डबल एंट्री सिस्टम आ गया, फिर यहां देखो सेकेंड फेज में कंपनीज का आइडिया आ गया, फिर आई 20th सेंचुरी. कौन सी? अब ध्यान से मेरी बात सुनना. 20th सेंचुरी में हुआ था वर्ल्ड वॉर. क्या हुआ था? अब उसमें क्या हुआ? जो जो उसमें पार्टिसिपेट किया उसको बहुत नुकसान हुआ.
तो उन लोगों ने ये निकालने के लिए कि हमको एक वॉर करने की कॉस्ट कितनी आई, लोगों ने उसकी अपनी कॉस्ट निकालना शुरू किया। तो वहां से बेटा आइडिया आया कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, किस चीज का, जो अकाउंटिंग की एक ब्रांच बन गई, समझ आए। अब देखो यहीं पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब आया था, 12th सेंचुरी में, और कॉस्ट अकाउंटिंग कब आया, 20th सेंचुरी में, समझ आया ना। और उसी का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो सीएमए स्टूडेंट्स हो। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत ही कहां से हुई है, 20th सेंचुरी से, आई बात समझ में। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, जैसे बेटा मैंने ये कैलकुलेटर बनाया, सब लोग सुनना, इसको बेचने पे एंट्री क्या होगी वो पता है, लेकिन बनाने पे इसकी लागत कितनी आई, व्हाट इज द कॉस्ट, वो कैसे निकलेगी, ये कौन निकालता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, समझ आया, वो इसका एक्सपर्ट होता है। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता है तो बेचोगे कितने में, प्रॉब्लम होगी ना, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके तभी तो सेलिंग प्राइस आता है, बताओ। अब अगर कॉस्ट ही नहीं पता है तो उल्टा सीधा पैसा लोगे कस्टमर से, या तो बहुत कम ले लोगे, खुद ही का नुकसान कर लोगे, या तो बहुत ज्यादा ले लोगे, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है टू नो द कॉस्ट। तो वो कॉस्ट कौन निकालता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, समझ आई बात। तो वो इसकी एक ब्रांच है। और आखिरी में आजकल चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कौन सी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलो फिर से बता दो, 12th सेंचुरी में किस अकाउंटिंग की शुरुआत हुई, फाइनेंशियल नहीं, ठीक है। अब उसके बाद 15th सेंचुरी में क्या आया, डबल एंट्री सिस्टम, और उसके बाद सेकेंड फेज में कंपनीज आ गई, थर्ड फेज में 20th सेंचुरी आ गई, उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई, और लास्टली अभी चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या चीज बेटा, अब ये क्या चीज है, समझना मेरी बात ध्यान से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें कहा जाता है जैसे अगर हम समाज से कुछ ले रहे हैं तो समाज को उसके बदले में, समाज को उसके बदले में प्योर मतलब बिना मिलावट वाला अच्छी चीज देना। जैसे इसका एक एग्जांपल ऐसे, पहले के टाइम पे आप पता नहीं होता है कि नहीं, बिस्लेरी वाली जो बॉटल्स नहीं आती थी उस पे वो लोग लिखते थे कि जितना वाटर हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं उतने हम पेड़ लगा दिया करते हैं, समझ आया ना। तो पानी जमीन के नीचे से निकाल के बेच लिया, पैसे तो कमा लिया, लेकिन अगर पेड़ लगा दोगे तो वो एनवायरमेंट बैलेंस रहा ना, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी तो उसको एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बात समझ। दूसरा और आसान तरीके समझ लो, जैसे मान लो कोई किसी को सामान बेच रहा है, अगर पैसे ले रहे हो तो सामान प्योर दो ना, उसमें मिलावट ना हो, खराब ना हो, आई बात समझ। दिस इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आजकल ये एक कंसेप्ट आया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और एक और होता है इसमें, है नहीं वो भी बता देता हूं, जरा बताओ इधर बताओ। 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2023 को मैंने क्रेडिट सेल करी, एंट्री बताओ, मैंने क्रेडिट सेल करी 1 अप्रैल 2023 को, क्या एंट्री होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या एंट्री होगी। मान लो 1 लाख की सेल करी, ठीक है, आपको सेल करी, तो आप मेरे डेटर हो या नहीं, कितने के। अच्छा, अब बेटा साल भर आपने पैसा नहीं दिया, आ गया 31 मार्च, मुझको बताओ अब भी आप डेटर हो या नहीं, अब भी डेटर हो या नहीं हो, कितने के, 1 लाख के हो ना। ये बेटा अकाउंटिंग की कमी है। ये बताओ यहां का 1 लाख यहां बढ़ के 1,10,000 हो गया होगा ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 1,05,000 हो गया होगा, 1,07,000 हो गया होगा, वट एवर, 1 लाख तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, किस पे, जिस पे ट्रांजेक्शन हुआ है उसी पे लिखे जाएंगे। तो आजकल एक कंसेप्ट आया हुआ है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, क्या चीज, कहते हैं जर्नल लेजर ट्रायल ट्रेडिंग वेडिंग बना के सब फिट कर लो, जब फिट हो जाए तब उसको इन्फ्लेट कर दो, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लो, आई बात समझ में। जैसे फिक्स्ड एसेट, लैंड खरीदी 25 साल पहले तो उसी प्राइस पे लिखी जाएगी ना, हम लोग क्या अकाउंटिंग में और तरीका क्या है, या तो उसका रिवैल्यूएशन करवाओ तभी तो होगा। तो आजकल ये भी एक कंसेप्ट आया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा, क्या चीज, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है। अब बताओ कब शुरू हुई अकाउंटिंग, कौन सी सेंचुरी में, डबल एंट्री सिस्टम कब आया, अच्छा उसके बाद सेकेंड फेज में कंपनीज आई, थर्ड फेज में कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हुई, कौन सी सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और एक चीज मैंने आपको क्या बताया, इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन लिख के मत आना क्योंकि स्टडी मैट में यही तक है, जो है वही लिखो,
आगे अगला लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट फाइव, कंसेप्ट फाइव ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लिखिए पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। और आखिरी में टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। जय बेटा, लो अब देखो क्या है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो पांच ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या चीज? ठीक है, अब मेरी बात खूब ध्यान से सुनना। बताओ जरा, इधर देखो मित्र, ये बताओ बेटा, जो बहुत छोटा बिजनेसमैन है, जिसका बहुत छोटा बिजनेस है, उसको फायदा हुआ या उसको नुकसान हुआ बिना अकाउंटिंग कराए, वो भी तो डायरी वायरी में कहीं इधर उधर लिख विख के निकाल ही लेता है जोड़ घटा के ना, बोलो। ठीक है, जो अकाउंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी तो निकाल लेता है ना कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो अकाउंटिंग आखिर क्यों किया जाए? अकाउंटिंग करने से सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे दो मिनट सोचो जरा, सब लोग थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे हमने जर्नल एंट्री बनाई, ऑटोमेटिकली एंट्री कैसे लेजर में जाएगी? निश्चित है, लेजर बैलेंस होगा, उसका बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, ट्रायल में क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, ट्रायल की आइटम कहाँ जाएगी? एक सिस्टम है ना, एक बार लिखो तो वो अपने आप फाइनल अकाउंट तक कनेक्ट होता चला जाता है। तो अकाउंटिंग करने का पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आई? दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट। अच्छा, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग में सब आ गया, क्या क्या? जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। क्या क्या? ठीक है, अगर जगह हो तो यही ऐसे लिख दो शॉर्टकट में, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल। जर्नल, लेजर एंड ट्रायल। अगला, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन। जरा बताओ अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। रिजल्ट कहां से आता है? ट्रेडिंग पीएल से। कहां से? तो ट्रेडिंग पीएल बनाना, ये क्या हो गया? असर्टेनमेंट रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, अगला, फिर ये देखो,
फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से। कहां से? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां से पता चलती है? ट्रेडिंग पीएल से। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस, पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी। समझे? तो जहां लिखे हो ये रिजल्ट्स, यहीं पे लिख दो ट्रेडिंग पीएल, याद करने में आसानी होगी। ट्रेडिंग पीएल, और जहां लिखा है पोजीशन यहां लिख दो बैलेंस शीट, यहां लिख दीजिए बैलेंस शीट। और ये जो आखिरी में दोनों लिखे हैं यहां लिख दो फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अच्छा शुरुआत में तो तीनों समझ में आ गए होंगे, अब आखिरी वाले दोनों में बता दूं। ये देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। अब बेटा एक बात बताओ, सब लोग जरा कंपनी के बारे में याद करिए, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? जैसे ये तो हम लोग सोल प्रोप्राइटर का बोल रहे हैं ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। कंपनी में क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्या आएगा? पीएल को लोग क्या बोलते हैं, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, क्या चीज? कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझ आया ना? और स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। अब मुझको बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनता है? उसी बैलेंस शीट से ही तो बनता है, समझ आया? तो उन्हीं को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्या बोलते हैं? समझ आया ना? तो उससे पता चलता है कि सॉल्वेंट है आदमी या इनसॉल्वेंट है ना? ये सब चीजें उसके यूजर्स को कम्युनिकेट हो पाती हैं। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो, उससे प्रॉफिट लॉस पता चल पाए, उससे हमारी एसेट लायबिलिटी की पोजीशन पता चल पाए, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन पता चल पाए, और ये सब चीजें हम अपने अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाए। कंसेप्ट 5 क्लियर हुआ? आगे लिखो कंसेप्ट 6। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लिखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला मेजरमेंट ब्रैकेट में लिखना पास्ट परफॉर्मेंस विद करेंट, अगला फोरकास्टिंग ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूचर परफॉर्मेंस सी पॉइंट लिखिए डिसीजन मेकिंग इसके नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में रैशनल डिसीजन मेकिंग फॉर एंड यूजर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिखेंगे टू एसेस परफॉर्मेंस कंट्रोल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन,
ठीक है। अब ये देखो बेटा क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, एक एक करके देखिए। पहला मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। स्क्रीन पे देखो, अकाउंटिंग के फंक्शंस में पहला फंक्शन क्या हुआ, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। जरा 11 12th वाला अपना याद करो, जो लोग अकाउंट्स पढ़े उसमें एक चैप्टर पढ़ते थे कंपेरेटिव, तो उसमें क्या होता था, बैक टू बैक 2 साल की बैलेंस शीट बनाते थे ना। या मान लो यहीं पे अगर अब क्वेश्चन असल में बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का जो प्रोसेस है उसमें करेंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों बनना चाहिए ना एक साथ, लेकिन अब दोनों का क्वेश्चन नहीं आता, वरना 2 क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में, तो एक ही आता है। तो अकाउंटिंग का कंसेप्ट यह है बेटा, जब हर एक चीज की अकाउंटिंग होगी, एक एक चीज लिखा जाएगा, तभी आप अपनी करेंट परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर सकते हो, पास्ट परफॉर्मेंस से। तो एक तो फंक्शन ये हुआ, दूसरा फोरकास्टिंग। अब बेटा जब आपके पास पिछला डेटा है, अभी का डेटा है, तो आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, समझ आया। जब आपके पास पास्ट डेटा है और करेंट डेटा है, तो आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। एग्जांपल सुनना, देखो बेटा जैसे विजय माल्या की जो कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, है ना, जब ये बंद नहीं हुई थी, तभी ऑडिटर्स ने 2-3 साल पहले जब इसका ऑडिट किया, तो उन्होंने कह दिया कि अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग मत करो, लिक्विडेशन बेसिस पे करो। ध्यान से सुनना, इसके एग्जांपल के थ्रू भी कुछ बता रहा हूं मैं। मैंने कहा जब विजय माल्या की कंपनी बंद नहीं हुई थी, उसके 3-4 साल पहले ही ऑडिटर्स ने ऑडिट करके उनको रेकमेंड किया था कि लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग करो, अक्रूवल बेसिस पे मत करो। क्या बोला आखिरी में मैंने, लिक्विडेशन पे करो, किस पे मत करो, अक्रूवल पे मत करो, समझ आया। अब ये क्या चीज है, तो देखो पास्ट डेटा से उन्होंने एनालाइज कर लिया था ना कि इनका सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये मैं समझाता हूं, लिक्विडेशन और अक्रूवल क्या होता है, जरा बताओ। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लिखते हो फाइनल अकाउंट में कि नहीं लिखते हो, आउटस्टैंडिंग मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब, बकाया है दिया नहीं, बोलो, फिर भी लिख लिया, फिर भी लिख लिया, तो ये मानते हुए लिख लिया ना कि अगले साल हमारी कंपनी रहेगी, हम दे पाएंगे, हमारे पास पैसा रहेगा, एवरीथिंग विल बी ओके। जब अगले साल कंपनी नहीं रहेगी, तब कहेगा आउटस्टैंडिंग, कहेगा प्रीपेड, तब अकाउंटिंग किस पे होती है, कैश बेसिस पे। किस पे, कि जो है वही लिखो, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन बेसिस। क्या बोलते हैं, तो ऑडिटर ने रिकमेंड कर दिया था तुम्हारे ठीक नहीं है लक्षण, क्या करो, लिक्विडेशन बेसिस पे काम करो, अक्रूवल तुम्हारे बस का नहीं है, समझ आई बात। और आखिरी में वही हुआ। अच्छा ऑडिटर क्यों ऐसे जान पाए, क्योंकि पास्ट डेटा को किससे कंपेयर किया, प्रेजेंट डेटा से, और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया, समझ आई बात। तो सेकंड हो गया फोरकास्टिंग, कोई डाउट। तीसरा डिसीजन मेकिंग, तीसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा क्या है बेटा, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये देखो बेटा, जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, किसी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है, तो ऐसे बनता है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा तो ऐसे बनता है। अब ये पीएल नहीं जाना, जो बताऊंगा काम की बात सुनना, ठीक है। अब इसको ये कैसे बन रहा होगा, एज पर कंपनीज एक्ट, बोलो एज पर। अब इसमें सबसे नीचे लिखा जाता है अर्निंग पर शेयर, क्या लिखा जाता है, समझे। अब कहानी सुनना, अर्निंग पर शेयर क्यों सरकार ऐसे लिखवाती है, कंपनीज एक्ट को क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसे क्यों लिखवाता है, क्योंकि बेटा बताओ मुझे, शेयर कौन खरीद सकता है, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो या कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो वो भी खरीद सकता है, क्या लगता है आपको, कोई पढ़ा लिखा हो वही खरीद पाएगा या कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है ना। तो आप बताओ ये पीएल जिसको अकाउंट्स की जानकारी नहीं होगी उसके कुछ पल्ले पड़ेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये बात सबकी समझ में आएगी, अर्निंग पर शेयर, अगर अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है तो उसकी समझ में आएगा, अच्छा इस कंपनी का अगर हम एक शेयर खरीदेंगे तो कंपनी हमारे लिए 10 रुपए कमा रही है, बोलो समझ आया ना। तो ये क्या है, इससे आदमी रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाएगा ना, कि इसका मैं शेयर खरीदूं कि ना खरीदूं। अरे जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो बैलेंस शीट 4-5 साल की, देखो ईपीएस क्या है,
समझ आया ना? तो ईपीएस से पता चल जाएगा ना कि कंपनी आपके लिए कितना पैसा कमा रही है। अगर आप उसमें अपनी कमाई लगाना चाहते हो मेहनत की, लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। समझ आया? क्या लगता है ये ईपीएस का क्या मतलब हुआ? फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, उसका क्या मतलब हुआ? एक शेयर पे कंपनी ने कितने पैसे कमाए। समझ आए? क्या ये मिल जाता होगा शेयर होल्डर को? क्या लगता है, क्या ये शेयर होल्डर को मिल जाता होगा? दौड़ाओ दिमाग। नहीं मिलता। समझ आया ना? जो मिलता है वो क्या है? डिविडेंड। क्या है? दैट इज नोन एज डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ईपीएस एंड डीपीएस। कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ते हो? पहले कंपनी पैसा कमाएगी, फिर अपना प्रॉफिट लॉस निकालेगी, फिर एजीएम करवाएगी। क्या चीज, क्या होता है एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसमें डिसाइड होगा कितना बांटना है। कंपनी एक आदमी के लिए 10 रुपए कमाएगी तो कहो बांटे 2 ही रुपए, 8 रुपए कहां जाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में कहां जाएंगे? फिर भी कमाए तो 10, आज नहीं तो कल वो मिलेगा। तो ऐसे ये करवाया जाता है। दिस इज नोन एज रैशनल डिसीजन मेकिंग, जो हम लोगों ने लिखा ना, डिसीजन मेकिंग। जब अकाउंटिंग होगी तभी तो ईपीएस निकलेगा, और जब ईपीएस निकलेगा तभी रैशनल डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। आखिरी में कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, बेटा कंपनी की परफॉर्मेंस को एसेस करना। कंपैरिजन कब होगा? व्हेन यू हैव पास्ट डेटा एज वेल एज करंट डेटा, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। आखिरी में कंट्रोल, बेटा जब कोई चीज लिखी होती है तो ही कंट्रोल होता है। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं। देखो ऐसा होता नहीं, घर से आपको पैसे मिले किसी काम के लिए, पैसे सब खर्च हो गए, काम भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला पैसा गया कहां। बोलो, होता है सबके साथ ऐसे होता है? एक कहावत है, कहते हैं या तो पैसे को बताओ कहां जाना है, नहीं तो ऐसी जगह चला जाएगा जहां तुम पता ही नहीं पाओगे गया कहां। समझ आया? ये सब पे लागू होता है, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, स्टूडेंट, व्हाटएवर। समझ आया बेटा? पैसा जब भी आए तुरंत डिसाइड करो इसको कहां जाना है, नहीं तो वहां जाएगा जहां पता ही नहीं पाओगे गया कहां वो। ठीक है? तो कब पता चलेगा? जब लिखोगे एक एक चीज, एक एक खर्चा जब लिखना शुरू करो तो समझ में आएगा ना गया कहां। समझ आया? अब इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, इनडायरेक्टली कह रहा हूं, जैसे मान लो आपका बिजनेस है आपके घर में, जब ऑन सीजन आने वाला है तभी क्या करो, कोई लैंड वेंड का हिसाब बना लो खरीदने का, पैसे आते गए उसमें लगाते गए, तब तो वो पैसा दिखेगा कि हाँ यहां इन्वेस्ट हो गया। समझ आया ना? नहीं तो छोटे छोटे जगहों पे वो ऐसे ही खर्च हो जाएगा, कुछ नहीं पता चल पाएगा कितना पैसा आया कहां गया। समझ आई बात? तो क्या लिखा है इसमें? कंट्रोल। तो कंट्रोल कब बनेगा? जब आपके पास सब कुछ लिखा होगा तभी तो कंट्रोल कर पाओगे ना, कहां गलत जगह खर्च हो रहा है, कहां सही जगह खर्च हो रहा है। बोलो बेटा। और आखिरी में गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। बेटा हमसे ज्यादा चिंता किसको है? हमारे पैसे की, सरकार को। इसने टैक्स जमा किया कि नहीं जमा किया? इसकी बैलेंस शीट टाइम पे बनी कि नहीं बनी? इसका पीएल बना कि नहीं? इंडिया में सिस्टम क्या है, अगर आप 100 रुपए कमाते हो ईमानदारी से टैक्स दो तो सरकार को जाता है 52%। कितना जाता है? आपके लिए कितना बचा? तो सरकार 1:2 का पार्टनर बन गई है, 1:1 का पार्टनर बन गई सरकार। समझ आई बात बेटा? 52% जाता है आप दो। देखो हम कमाएंगे, सरकार क्या लेगी? इनकम टैक्स। बोलो बेटा। सामान खरीदोगे जीएसटी लेंगे, कोई चीज बनाओगे बनाने पे ही एक्साइज ड्यूटी ले लेते हैं, बिके चाहे मत बिके। बाहर से माल मंगवाओगे इंपोर्ट ड्यूटी ले लेंगे, बेचोगे बाहर एक्सपोर्ट ड्यूटी ले लेंगे। समझ आई बात? और तो और आखिरी में क्या करते हैं, आखिरी में क्या करते हैं, ये देखो ऐसे। अब अपनी नॉलेज के लिए जानो, सबसे पहले हम लोग सेल करते हैं, क्या करते हैं, उसमें से अपनी कॉस्ट की पेमेंट कर दी तो बचा हमारे पास प्रॉफिट। क्या बचा? इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलोगे बेटा? इसमें से सरकार को टैक्स दे दिया तो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बचा? अब टैक्स जमा हो गया है तो अब मालिकों को पैसा दिया जाता है, तो अब दिया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या दिया जाएगा? अब जो उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी के लिए, डिविडेंड के लिए तैयार है, लेकिन वो पता नहीं दिया जाएगा कि नहीं, बिकॉज उसके पहले एजीएम होगी, डिसाइड होगा कितना डिविडेंड दें। समझ आया? डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, सुनो। डिविडेंड की डेफिनेशन, मिनिमम एक्सपेक्टेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बेटा? किसी की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन आज तक पूरी हो पाई है कि हो सकती है? कभी नहीं। तो एजीएम में यही देखते हैं कितना कितना डिविडेंड दे दें कि हमारा शेयर वो होल्ड रखे। कम डिविडेंड दोगे वो बेच के किनारे हो जाएंगे, शेयर की सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम होगी, प्राइस नीचे, कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि प्राइस नीचे जाए। आई बात समझे?
ठीक है, अब मैं जो बात बता रहा था वहां बताओ, इसमें सरकार को टैक्स जा चुका है कि नहीं, बोलो सब लोग। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है भले तुमने वो टैक्स दिया, अब तुम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे रहे हो। किसको डिविडेंड दे रहे हैं? प्रेफरेंस वालों को। तो कहते हैं इसका मतलब अभी है तुम्हारे पास पैसा, तो लाओ इस पे फिर से टैक्स दो दोबारा। उसको बोलते हैं सीडीटी। क्या बोलेंगे? कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या चीज? या एक और नाम है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। वो कहते हैं बिकॉज यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड यू हैव टू पे टैक्स। आई बात समझे? तो इसीलिए लोग ईमानदारी से काम ही नहीं करते। कहां तक सरकार को पैसा दिया जाएगा? समझ आई बात? तो वहीं पे जन्म होता है आप लोग के कोर्सेज का। टैक्स कौन बचाएगा? आप लोग। आई बात समझ में? वो लोग हर साल टैक्स रिवाइज करके नए नए रूल बनाते हैं, हम लोग उस रूल में लूप होल निकालते हैं, वो फिर रिवाइज करते हैं, फिर वही काम करते हैं। आई बात समझ में? तो ये है हम लोग का गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, इस वजह से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनानी होगी, टाइम पे टैक्स जमा करवाना होगा। आगे बढ़े, लिखो अगला कंसेप्ट सेवन, बुक कीपिंग। कंसेप्ट सेवन, बुक कीपिंग। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल लेजर इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आगे लिखिए अकाउंटिंग, इसमें लिखिए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आगे लिखिए अकाउंटेंसी, लिखिए बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल्स टू अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल्स टू अकाउंटेंसी। अब ये देखो बार बार ये एग्जाम में आता है। इधर देखो, वॉट इज बुक कीपिंग, वॉट इज अकाउंटिंग एंड वॉट इज अकाउंटिंग। कॉपी हो गया कि नहीं? ठीक है, अब बताओ अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या होगा? मेरी तरफ देखिए, बताइए। सबसे पहला प्रोसेस जर्नल, रिकॉर्डिंग। जर्नल के बाद लेजर, जर्नल के बाद। तो जर्नल और लेजर की बुक होती है, क्या होती है? इसको ऐसे याद कर लो, जर्नल और लेजर की बुक होती है। का मतलब क्या होगा ये बताओ बेटा। जैसे आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो गया है, पुराने टाइम पे जर्नल का एक फॉर्मेट आप पढ़े हो ना, तो क्या होता था? एक रजिस्टर होता था, इसी में सारी एंट्री लिखते चले गए। तो ये बुक हुई कि नहीं हुई? तो जर्नल इज अ बुक। समझ आया? अच्छा, ऐसे दोबारा लेजर भी क्या होता है? एक बुक होती है, एक रजिस्टर लिया, जितने लोग हैं एक एक पेज पे सबका नाम लिखते चले गए, तो यही बुक क्या हो गई? लेजर। तो दो ही बुक होती है, वन इज जर्नल, अनदर वन इज, तो जब भी आए बुक कीपिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, वन इज जर्नल अनदर वन इज लेजर। तो बुक कीपिंग का मतलब प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर इज नोन एज बुक कीपिंग। समझ आए?
उसके बाद जो है दैट इज अकाउंटिंग, क्या बचा उसके बाद बोलो जरा, लेजर के बाद ट्रायल और फाइनल अकाउंट, तो वो क्या है अकाउंटिंग, क्या है अकाउंटिंग। ट्रायल तो एक ही पेज पे बन जाता है और फाइनल अकाउंट लास्ट डेट पे जाके बनेंगे ना, फिर वही बुक कीपिंग शुरू हो जाएगा, समझे। अब बताओ फिर से एक बार, बुक कीपिंग में क्या क्या आएगा, बुक कीपिंग इंक्लूड्स, अकाउंटिंग इंक्लूड्स, ठीक है। चलो यहां पे बताओ, बुक कीपिंग इंक्लूड्स क्या क्या, जर्नल एंड अकाउंटिंग इंक्लूड्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटिंग है, यहां तक ठीक है बेटा, ये पूरा अकाउंटेंसी है, पूरा क्या है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, समझ आया। अकाउंटेंसी स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग, एंड्स विद अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये लिखवा दिया, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। कुछ और लिखवाने की जरूरत है, समझ गए इससे कि नहीं, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। आगे बढ़ू, लिखो अगला। अब बेटा अगला आता है लेकिन उसको लिखवाएंगे नहीं, यूजर्स कौन कौन होते हैं, पढ़ चुके हो अभी, आज ही की क्लास में आ चुका है, एक्सटर्नल यूजर। और तो बार बार पूछते हैं कौन कौन से यूजर हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, वन इज एक्सटर्नल एंड अदर वन इज इंटरनल, वो कंसेप्ट कर चुके हैं। आगे लिखिए, लिखिए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट नंबर 8। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग लिखिए, पहला ऐसे लिख दो अकाउंटिंग, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगला कॉस्ट अकाउंटिंग, अगला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और अगला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ठीक है। चलो इधर देखो, अब अकाउंटिंग की कितनी फील्ड्स हैं, सब लोग सामने देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गया, है ना, मैथमेटिक्स में, वैसे अकाउंटिंग की इतनी सारी फील्ड्स हैं। क्या क्या, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग के सिलेबस में है, वो कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या चीज बेटा, जो अभी मैंने बताया था, कोई एक प्रोडक्ट बनाया गया, इसको बनाने में इसकी कॉस्ट कितनी आई, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ आए। फिर अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यही कॉस्ट अकाउंटिंग जब एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो उसका नाम हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या हो जाता है, ठीक है। और आखिरी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे ये बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसी है छोटी बड़ी, उस हिसाब से उसको वैसे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। अगर 100 आदमी की जरूरत है, 150 हायर कर लोगे तो कभी ना कभी वो बर्डन बन जाएंगे, जब लॉस में आओगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो, जरा सा रिसेशन आता है, तुरंत देखोगे एयरलाइंस वाले तुरंत सबको रिट्रेंच करना शुरू कर देंगे,
तो उसको पहले ही उसकी अकाउंटिंग कर लो ना, कितने लोगों की जरूरत है, कितने अपने पास हैं, तो उसकी अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। समझ आए? तो बेसिकली आप लोग को पढ़ना होता है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये क्या क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। हालांकि इसका नाम चेंज करके दोनों एक ही में कर दिया है आजकल, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ आया ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एक ही में लिख दिया। आगे बढ़िए, तो ये इसकी फील्ड्स हो गई। लिखो कंसेप्ट 9। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन पहला, पहला अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, अगला अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड लॉ, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिखिए इसमें पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, दूसरा देयर आर ऑकेजन्स इन अकाउंटिंग देयर आर ऑकेजन्स इन अकाउंटिंग। और एक और लिखो कंसेप्ट 11, फिर मैं समझाऊं। एरियाज ऑफ सर्विस, एरियाज ऑफ सर्विस, देखो पहला मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगला स्टैचुरी ऑडिट,
इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। फाइनेंशियल एडवाइसेस, देखो 9 में लिखा है,